ताजी ताजी खजूरें, वाह है। वो बहुत ही मशहूर खजूरें हैं, उनका क्या है? नानी सकीना नहीं, ऐसे बोल दो जो मशहूर है वो बोलो ना। ही में साग इतना ही मसाग लाया है। चलो माशाल्लाह सोनी लग रही है। अशाह को बनेंगे। क्या है ना, वही शाम की रूटीन, वही देखे हवा तेज हो चुकी, मेहनत कर कर के उसकी दाढ़ी चिट्टी हो जाती है। दाढ़ी चिट्टी हो। बीबी सोनी बन गई हो, शेबू सोना बन गया है, बाल बनाए चाचू बाबा, बाल कैसे बनाए थे, किमें बनाया इमें करचू 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 इमें। माशाल्लाह सोने बन गए। मुसाग कितना लगाया है, मुसाग इतना ही मुसाग लाया है। चलो सलाम करो, करो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आप करो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रहे हो, खेल रहे हो? हाँ जी, अम्मी जान भी बैठी है, अम्मी जान सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, जान भी रहे, खुश रहे, आबाद रहे, पता नहीं आपकी आवाज़ आई होगी या नहीं। पता नहीं है आई होगी या नहीं। तो अभी जी मौसम देखें, कुछ इस तरह का बन चुका है, रोज की तरह, रोज के टाइम, रोज का जो है रूटीन है, लेकिन बारिश नहीं आ रही है। बेगम साहिबा इधर बैठी हैं और असर की अजानों का टाइम भी हो चुका है। हाँ जी चलें। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, जान रहे, खुश रहे, बात रहे, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहे, फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, मेरे घर में छोटे बड़े सब ठीक हैं। और अभी जो है हमारा शाम का व्लॉग शुरू हो चुका है, रहना हमारे साथ, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। अपनी सोनी जुती चावा, ये देखो दे, गंदी थी पी, दे चा दो, चा दो, चा लहा दो, झोड़ कड़ाके मार रहा है। माशाल्लाह आज नवा ड्रेस पहन लिया है, सुर्खी सुर्खी लगा ली है, वो माह रमजान वाली ईद का रखा हुआ था जो अम्मी ने दिया था। अच्छा, तो अभी गई थी तो अभी सिलाई करवाया, फिर आज पहना। माशाल्लाह सोनी लग रही है। गर्मी थी इसलिए ज्यादा सोने बनते भी नहीं है, पसीना आता है फिर वैसे ही बन जाते हैं। खैर है, साफ सुथरा बंदा अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। और कौसम पुत्र यहाँ बर्फ से बर्फ निकाल रहा है, क्या बनाया था? कुछ नहीं, वो लस्सी रखी थी दादा की। अरे आपस में क्या चीज ले रहे हो? बर्फ ले आया था, वो चीज बर्फ ले आए डाल के पी गए फिर। ये बीबी ये क्या है? बर्फ ठंडी है। अक बर्फ कासिम और हाशिम माशाल्लाह जब के दुकान पे खड़े हैं ना, चिट्ठे हो गए, सोने लग रहे हैं। वो बकरियों में असल में धूप में घूमना पड़ता है, फिर दो दो हफ्ते तो नहाते नहीं थे, मेरे ख्याल ईद की ईद रूटीन रखी हुई थी, सुबह सुबह रोज नहाते हैं। अभी वो मेरे ख्याल में भाई साहब ने फेंटी लगाई है, अभी साफ सुथरे लग रहे हैं। पीछे देखे भाई साहब भी आ चुके हैं। हाँ जी आगे शागिर्द पीछे उस्ताद। अच्छा ने बाल कटवा लिए, मैंने पूछा इनसे कि चाचू ने कैसे बाल कटे हैं, तो करते हैं ऐसे, उधर गए दुकान पर तो फिर जो है ना ऐसे मशीन चलाई है। हमने बाल कैसे काटे थे, बाल कैसे काटे, ऐसे मशीन कैसे करती है, खेल करो बुढ़ी पिए। चलें जी, माशाल्लाह आपके भेहे चढ़े हुए थे, वो तो दिखाएं जरा कैसी शक्ल है उनकी। यहाँ पर देखें सिस्टर ने जो है गंदम डाल ली है बोरे में, क्योंकि मौसम जो है देखें फिर से खराब हो गया है,
अगर बारिश आ जाए तो सारी धूप पे रखी हुई मेहनत फिर चट हो जाती, इसलिए जो है ना बोरे में डाल दिए हैं। और यहाँ पर देखें बेगम साहिबा के जो हैं भेहे उबल रहे हैं। हाँ जी उबल रहे हैं, ये अभी थोड़ी उबलेंगे, अशाह को बनेंगे। अशाह को बनेंगे। हाँ जी वो देखें बीबी के काम कैसे बोतल कच्छ में की है। ये जब से ये चप्पल ली है ना, ये देखें फूलों वाली, जब से पहनाई है बस ये हर टाइम कच्छ में लेके घूमती है, बस बोलती है उतारू ही ना, शाने काम कर रही है। टूटने वाली है, थोड़ी सी देर है इसे। चलो पता तो चलेगा कि जूतियां हंडाती है। जी। वो देखो फिर रहे हैं, उन्होंने तो पहनी ही नहीं है, जबरदस्ती कभी पहना लो तो फिर उतार देते हैं। नहीं वैसी भी जैसी उनकी है ये ऊपर करना, ये तो मुझे दिखाना ही भूल गए। चमचा लेना, ये देखें जी माशाल्लाह, ये हैं भे, इसको पहले इस तरह काट के फिर जो है अच्छी तरह ये जो है ना ये अच्छी तरह इसको उबालने पड़ते हैं। अभी देखें ये कब, तकरीबन घंटा तो हो गया इसको चढ़ाए हुए। हाँ घंटा हो गया, लेकिन अभी वैसे के वैसे ही चढ़े हैं, अभी इतने गले नहीं है। पानी शायद दूसरा है, शायद जल्दी गल जाए। इंशाल्लाह अभी पहली बार थोड़े ही गलते हैं, आगे जैसे पानी गर्म होता जाएगा फिर जल्दी गल जाएंगे। आ भाई साहब शह बांट रहे हो, क्या है ना शेबू, क्या है ना, सुनते ही नहीं है मेरी बात, शाय में मसरूफ है। हाँ जी भाई साहब भी पापड़ खा रहा है, क्या बात है भाई साहब की, माशाल्लाह जी बच्चे शाय खा रहे हैं, एबीसी वाले पापड़ हैं। देखें जी अचानक जो है फिर से खराब हो चुका है, वही शाम की रूटीन, वही देखें हवा तेज हो चुकी है, बादल वहीं से आ रहे हैं, लेकिन बारिश का कोई पता नहीं है, क्योंकि बादल आते हैं और चले जाते हैं, है ना, रहे हैं। ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है, नहीं है ऐसी, ऐसी है बिल्कुल ऐसी बात है, कल भी में बादल बनाए थे फिर चले गए, जैसे भाई साहब भी आ चुका है। आप लेट हो जाते हो या टाइम पर पहुंच जाते हो, तो बहन भाइयों एक बहुत ही नायाब और मजेदार चीज दिखाने वाला हूँ, है ना, दिल थाम के बहन बैठे, क्योंकि वो चीज जो है साल में एक ही बार आती है और उसकी उसका इंतजार ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है ना, हाय हाय हाय, तो वो चीज है ये देखें, माशाल्लाह ताजी ताजी खजूरें, वाह ये कहाँ से आई हैं? हमसाइयों से। अच्छा वो हमसाइयों की खजूरें हैं, मेरे ख्याल वो पकना स्टार्ट हो चुकी हैं। हाँ जी। तो प्यारे बहन भाइयों साल में ये कुदरती मेवा जो है एक बार आता है, खजूरें, इसका बहुत ही इंतज़ार होता है, और हमारे यहाँ वैसे तो जो बाज़ारों में आती हैं वो पार्सल आती हैं, दूसरी आती हैं, जो हमारे पास आती हैं वो आती हैं साल में एक बार, और तरोताज़ा, बहुत ही मज़ेदार। कैसी लग रही हैं? बहुत अच्छी। खा रहे हो? सुला भी नहीं मार रहे? वो है ना आम के पास। गिरा रहे हो नीचे, वो देखो गिरानी नहीं चाहिए। माशाल्लाह ये किसकी है? बेगम साहिबा की खजूरें देखें, वाह चमक रही हैं बेगम साहिबा की। थोड़ी सी जरा ना पेंट पक्की वाली है, थोड़े से गिंदोड़े है, और ये वाले जो होते हैं ना, ये वाले गिंदोड़े होते हैं, इसको बोलते हैं गिंदोड़े, यू क्योंकि ये कच्चे होते हैं, लेकिन खुद कच्चे भी नहीं होते, मीठे होते हैं, और जो मेन चीज़ होती है ना ताज़ी खजूर की बात, वो ये होती है, ये देखें ये एकदम टिमटी होती है, बिल्कुल शीशे की तरह चमकदार, और बहुत ही इससे बेहतर पता ही क्या होती है ये वाली, ये देखें। हाँ जी ये बहुत जबरदस्त, और ये जो जिस ये जिस खजूरें से आई हैं वो बहुत ही मशहूर खजूरें हैं, उनका नाम क्या है? नानी सकीना वाले खज्जा। नानी सकीना नहीं, ऐसे बोल दो जो मशहूर है वो बोलो ना, सकीना वो जी हमारे हमारे यहाँ ये जिस खजूरें से पिंडुआ ये जिस खज्जियों से ये खजूरें आई है ना, जिस खजूरों के दरख्त से, उनका नाम मशहूर है सकीना वाले खज्जा
क्योंकि वो हमारे जो भी देखने वाले हैं, अगर वो ये वीडियो देखेंगे ना तो उनको पता चल जाएगा कि ये किस बंदे की खजूरें हैं और किसने दी होंगी, और ये वाकई में वही खजूरें हैं। सकीना आलिया खज्जा सकीना आलिया खज्जा मशहूर हैं, उसका नाम भी इसी तरह रखा हुआ है, बड़ी मशहूर खजूरें हैं। नहीं उनकी थी ना इसलिए। हाँ उनकी थी, उनकी जमीन में। ये हमारे दौर से पहले की, मकसद के दादी के, अम्मी के दादी के दौर की ये खजूरें हैं। तो वो नानी थी, वो नानी दादी, वो पहले मेरे ख्याल वो गुजर चुकी हैं, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, बस उनकी जो है खजूरें मशहूर यहाँ रह चुकी हैं। वो अभी भी माशाल्लाह खजूरें सलामत हैं, वो उनकी ज़मीन में थी, वो जो जिस ज़मीन पर हैं वो समझ के उसकी थी। वो बोलते थे सकीना की, वो इसलिए बोलते थे कि सकीना की जो हैं खजूरें हैं, सकीना आलिया खज्जा। हाँ जी, वैसे सकीना तो एक लेडीज़ का नाम भी आता है, वो भी एक लेडीज ही थी, लेकिन अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। देखे खजूरों से जो है ना यादगार चीज़ है, इसी की वजह से हम देखें कौन सी स्टोरी में चले गए हैं, कहाँ पहुँच गए हैं। हाँ, हमें तो पता ही नहीं था ये खज्जा ना होता था, उसका नाम ही कोई ना लेता। हाँ जी, तो चलें, वो खैर उसकी मालूमात, वो मैंने भी उनको शायद ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। बहरहाल आप लोगों ने उनके लिए मगफिरत की दुआ करनी है, अल्लाह पाक ने उनकी मगफिरत फरमाए। और मेरा हिस्सा कहाँ है? ये मेरा हिस्सा है माशाल्लाह। किसी बहन भाई को खानी है तो आ जाए, माशाल्लाह खजूरें, क्योंकि साल में एक बार आती हैं, फिर आपने नहीं कहना कि सुलाई नहीं मारी। और वो भी इस तरह की जो ताज़ा तरोताज़ा होती हैं, बिल्कुल एकदम अपने हाथों से जो है ना खजूरें तोड़ते हैं खजियों से। इसके आवाज़ जो आई है ना, इसकी भी गिंदोड़े गिर रहे हैं नीचे, वो देखे भाई साहब उठा रहा है। उस टाइम बहुत होती थी, बोरे भरे होते थे, ऐसे छब्बे होते थे और भरे वाले होते थे। आपको बुला रहा है, वो नहीं है हमसायों को गुड्डी, वो नीचे चुन चुन के खा रही है। चलो ये अबू के लिए भी रखनी है और मरियम के लिए भी रखनी है। अबू बकरियों पर है और मरियम सो रही है आज। मरियम उठ जाती तो और भी रौनके लग जाती है, वो अभी सो रही है, वो अंदर इस टाइम सो गई है, पता नहीं क्यों। बीबी क्या खा दो, क्या खा दो, अक पिंडू क्या खा दे, अक पिंडू पिंडू पिंटू अवेश क्या खा दे, अक पिंडू मुंह भी फुल किया हुआ है पिंडू से। बीबी क्या खा दे, अक पिंडू ये बोल ही नहीं रही, अगर बोलती तो मजे का बोलती है पिट्टू। चलें जी माशाल्लाह, ये तकसीम हो चुकी हैं, ये वैसे ही हमसाइयों ने दी थी। और जो हमारी खजूरें हैं ना, इस खज्जी की, वो इस तरह की है, ये लाल वाली, ये देखें, लाल भी होती हैं, पीली भी होती हैं, काली भी होती हैं, देखें कैसी कुदरत के रंग हैं। हाँ जी, हर कलर की होती है। और जो ये मकान बने हैं ना, इनके पीछे दो खजूरें होती थी, वो छोटी खजूरें होती थी, उनका पता नहीं चलता था कि वो पक्की हैं या कच्ची हैं, क्योंकि जब वो पक जाती थी फिर भी हरी होती थी, जब कच्ची होती थी फिर भी हरी होती थी, है ना। चूचियां खजियां उसको बोलते थे, चूचियां खजियां, उसकी पेंड छोटी होती थी ना इसलिए। वो एक ना, वो पास में जो है ना, इधर इस तरफ जो है ना, वो कोई वो सेठ बैठे हैं, सेठ उनको बोलते हैं, सेठ बोलते हैं सेठ हैं वाले, उसके जहाँ उनके यहाँ ना एक खज्जी लगी है, वो उसका जो तना है ना वो ऐसे है, बिल्कुल एस की तरह बना हुआ है, तो उसे बुलाते थे एस खज्जी। जी हाँ जी, हमारा नवा खू, आपके यहाँ नवा खू था। ये गांव में इसी तरह ही नाम रखे होते हैं, हर चीज के मशहूर होती है। नवे खू पर शादिया खज्जा था, चार पांच खज्जा, और उसका नाम है रेशली खज्जा। रेशली खज्जा, वो
देखे जी खजूर है छोटी और मोटी है ना, उसको बोलते हैं डोड़ी खजूर। डोड़ी चलें जी बहन भाइयों, आपकी नॉलेज में ये एक इजाफा हो गया है कि आज की मालूमात जो है खजूरों से है, वो भी विलेज के खजूरों से, कि उनके नाम कैसे कैसे होते हैं। चलें बाकी आगे नेक्स्ट भी इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे आपके साथ। व्लॉग अभी यहाँ पर मुकम्मल नहीं हुआ है, आगे भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। जी बेगम साहब आप फिर रेसिपी के सर पर बैठ चुकी हैं, कुछ गले हैं नहीं? कुछ गले हैं लेकिन है कच्चे। अच्छा तो अभी मैं वो चाचू चले गए हैं चक्की पर, मैं पता कर आया हूँ। नहीं गिर जाओगे शेबू, नीचे उतर जाओ गिर जाओगे। तो मैं जा रहा हूँ चक्की पर, फिर है आपने व्लॉग बनाना ठीक है, ये रेसिपी दिखा छोड़ना मुकम्मल ठीक है। हमारा सामान जो है ये देखें वो रेडी हो चुका है, ये मसाला और ये घी भी चढ़ा दिया है और इधर भे भी मैंने निकाल के रख दिए है, ये देखिए कितनी खूबसूरत है ये देखिए। और अभी इनको करते हैं भुनाई, घी अभी गरम हो रहा है, गरम हो जाएगा तो फिर आपसे शेयर जो है। ये देखिए वो गरम हो चुका है और अभी मैं डाल रही हूँ टमाटर प्याज और हरी मिर्चें सूखा लहसुन, ये देखिए ये मसाले मैंने डाल दिए हैं, अब करते हैं इनको भुनाई। हमारा मसाला जो है ये देखिए वो रेडी हो चुका है बिल्कुल, और अभी जो है मैं लाल मिर्चें और नमक डालूंगी, ये देखिए ये लाल मिर्चें और ये नमक, लाल मिर्चें और नमक मैंने ऐड कर दिए हैं और अभी जो है इनको भुनाई करते हैं, फिर आगे आपसे शेयर करते हैं। और यहाँ पर आसन भाई भी आ चुके हैं। हाँ जी भूख लगी है? नहीं। हाँ मुझे तो ऐसे लग रहा है अभी तो नहीं लगी। हाँ इसलिए भे उठा उठा के खा रहे हैं। मैं चेक कर रहा हूँ नरम है या सख्त है। हाँ मुझे तो ऐसे सही लगे फिर मैंने उतार दिए। सही है, सही है ना? हाँ फिर ऐसे चम्मच मारने से ना सारे वो कचरा हो जाते हैं, तो मैंने कहा कचरा ना हो ऐसे अच्छे लगते हैं। लेस इनमें होती है लेस थोड़ी थोड़ी। क्या है बीबी क्यों मार रही हो मुझे? क्या क्या चाहिए? ये गरम पानी है, ये गरम है खिलो। मसाला जो है ये देखे वो रेडी हो चुका है और अभी मैं डाल रही हूँ भे, ये देखे ये भे फेहे मैंने डाल दिए हैं। अब इनको मिक्स भी कर दिया है। हमारी भे की रेसिपी जो है ये देखिए वो मुकम्मल हो चुकी है, ये देखिए। और मरियम भी आके ऊपर कहती है हाँ जी क्या कर रही हो? खड़ी तो इधर वेली हो तो काम क्या कर रही हो? खेल रहे हैं। खेल रहे हैं? खेलने वाला भी काम होता है? नहीं देखने आई है कि भेज रहे ना मुकम्मल की गई जरा भी देर है, भूख लगी है क्या? हाँ ऐसे भूख लगी है तो ऐसे बोलो, झूठ क्यों बोल रही हो? नहीं झूठ नहीं बोला उन्हें, उनको गाल बोल गई, ये क्या करने आई थी? ऐसे गाल बोल गई। और अब्बू जान भी देखे आ गए हैं और बकरियां भी आ चुकी हैं, ये देखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अब्बू जान? तबीयत सेहत ठीक है? और थोड़ा थक जाते हैं। हाँ थकना तो होता ही है, बकरियां भगाती जो है ना, बकरिया भगाती हैं इसलिए थक जाते हैं, नींगा जो है ना। हाँ जी बूढ़े हो तो ना थकते हैं। हाँ जी अगर नींगा है ना ज्यादा थक जाते हैं, नींगा ज्यादा थक जाते हैं ना। हाँ जी आजकल वैसे है भी ऐसे, ये नींगे ये बहुत ज्यादा थक जाते हैं। अच्छा ये कम, अच्छा आप कम थकते हैं। वैसे तो आपकी दाढ़ी सफेद है, उनके अभी सर भी सफेद नहीं हुआ। आजकल
का बच्चा जो है ना जमते उनके बाल जो है सफेद होते हैं। ये तो नजूल का जो है खास उम्र तक को नहीं मिला। अच्छा इतना बड़ा बूढ़ा नहीं हो गया अभी। हाँ जी गुरबत अच्छा, ने बूढ़ा कर दिया है। मेहनत मजदूरी करते 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 ये हाल हो गया है। हाँ जी ऐसा भी होता है ना मीजा। हाँ तो ऐसा भी होता है जब जरा गरीब है उसको तो जब देखो मेहनत मेहनत कर कर के उसकी जरा ना दाढ़ी चिट्टी हो जाती है। दाढ़ी चिट्टी हो जाती है। और तो कुछ नहीं और सर के बाल तो और दाढ़ी जी ये तो सफेद ही हो जानी थी। सफेद होती है हो जाती है मजदूरियां कार कार के। ऐसा भी होता है छोटे छोटे बच्चे होते हैं फिर गुर्बत होती है मेहनत करके उनको पालना पड़ता है। हाँ जी ऐसे ऐसे हालात होते हैं गरीब के। देने वाली जो है ना वो अल्लाह की जात है देने वाली। पालता तो वही है हम तो सिर्फ हीला ही कर सकते हैं हीला करते हैं अल्लाह ताला पालता है। हाँ जी वो देने वाला इंशाल्लाह अल्लाह ताला देता है दे रहा है और देता रहेगा और दिया भी था। हाँ जी इंशाल्लाह आगे देगा भी देगा इंशाल्लाह अल्लाह जी अल्लाह पर भरोसा है। हाँ जी अल्लाह पर जो यकीन करेगा वो कामयाब होगा इंशाल्लाह। रुकी सुखी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला चलो वक्त का भूखा तो नहीं सुलाया। हाँ जी खा कर तो सोते हैं वो लोग तो हैं जो उनको खाना भी नसीब नहीं होता। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके गरीब लोग हैं अल्लाह ताला उनको बहुत दे अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे कुवत दे आमीन। और जो है ना हम तो उनके लिए दुआएं भी कर दुआएं कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते ना। अल्लाह ताला उनको खुश रखे कुरम रखे आबाद रखे और शाद रखे आमीन।